एह रेडियो कश्मीर जम्मू ऐ। बडलै खबरें तुंदा स्वागत। पैह्ले मुक्ख मुक्ख खबरें कन्नै मैं मोनिका चंदेल। रियासती प्रशासनिक कौंसल ने 624 मेगावाट समर्थ आली किरू पन बिजली परियोजना आस्तै पैकेज गी दित्ती मंजूरी। पिछड़े दे वर्गें लेई आरक्षण आस्तै आमदनी दी हद बधाई। नशा मुक्ति नीति गी भी दित्ती मंजूरी। पाकिस्तान ने पुंछ जिले च कब्जा रेखा दे पारा थमां गोलीबारी करदे होई इक बारी परतियै संघर्ष विराम दी खिलाफवर्जी कीती। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें आखिया जे पढ़ाई लिखाई च नमियां काडां मतियां जरूरी न ते शिक्षा दी स्थिति च बदलाव आनने दा समर्थ अध्यापक गै रखदे न। गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें गुरू गोबिंद सिंह जी हुंदे प्रकाश उत्सव दे मौके पर जम्मू कश्मीर दे लोकें गी दित्ती मुबारकबाद। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क गी कई थाहरें ताजा बर्फबारी ते तलैट होने कारण गड्डियें दी आओजाई लेई बंद रखेआ गेआ ऐ। हुन खबरें दी तफसील कन्नै चंद्रकांत शर्मा। रियासती प्रशासनिक कौंसल दी कल राज्यपाल सत्यपाल मलिक हुंदी प्रधानता च बैठक लग्गी, जेह्दे च उनें केईं राव रियायतें गी मंजूरी दित्ती, तां जे 624 मैगावाट समर्थ आली किरू पन बिजली परियोजना गी कारोबारी तौर उप्पर होर निग्गर बनाया जाई सकै। एह् परियोजना किश्तवाड़ जिले च दरिया चनाव उप्पर मटाई गेदी ऐ। बैठक दौरान एह् फैसला लैता गेआ ऐ जे पैह्ले दस्सें ब'रे लेई 12% मुफ्त बिजली दी छूट देने, जियां के 1000 मैगावाट समर्थ आली पाकुल डुल परियोजना दे मामले च कीता गेआ हा, एह्दे बजाय रियायत पैह्ले 5 ब'रे लेई घट्ट करियै दित्ती जाग ते फ्ही 6 ब'रे थमां 12% कर दित्ती जाग। मुफ्त बिजली आलियां एह रियायतां कारोबारी तौर उप्पर इस परियोजना दे कम्म करना शुरू करी देने दे कन्नै लागू होंगन। इस परियोजना उप्पर कुल 3,985 करोड़ रपे शा मती रकम खर्चा होग ते एह्दे च जम्मू कश्मीर सरकार दी हिस्सेदारी 5,85,80,00,000 रपे दी रखी गेदी ऐ। रियासती प्रशासनिक कौंसल ने जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून 2004 तैहत आरक्षण दे फायदे लैने आस्ते समाजिक ते आर्थिक तौर उप्पर पछेत्रे तबकें दी आमदनी दी हद 4.5 लक्ख रपे शा बधाइयै 8 लक्ख रपे कर दित्ती ऐ। इस कानून तैहत समाजिक आर्थिक तौर उप्पर कमजोर तबके, कब्जा रेखा कन्नै लगदे इलाकें ते पिछड़े इलाकें दे रौह्ने आह्लें गी रोजगार ते पेशेवराना पढ़ाई आह्ले इदारें च दाखले लेई आरक्षण दी सुविधा दित्ती जंदी ऐ। इस बारे आमदनी दी तयशुदा हद बनाने दा मकसद एह् ऐ जे जेह्ड़े लोक पिछड़े दे तबके च नेईं आउंदे न ते जिनेंगी आमतौर उप्पर क्रीमी लेयर आखेआ जंदा ऐ, उनेंगी इस चाल्ली दे फायदे लैने शा रोकेआ जाई सकै। रियासती प्रशासनिक कौंसल ने पैह्ली नशा मुक्ति नीति गी भी मंजूरी दे दित्ती ऐ, तां जे जम्मू कश्मीर च नशे दी रोकथाम लेई इक पूरे पराते सरिस्ते गी तैयार कीता जाई सकै। एह्दे तैहत नशा मुक्ति लेई स्हूलतां देने, बेहतर सेह्त सुविधा उपलब्ध करोआने, पुनर्वास केंद्रें दी स्थापना ते नशा मुक्ति केंद्र बनाने दी तजवीज रखी गेदी ऐ। इस नीति तैहत केईं मुक्ख गल्लां जियां पीड़ितें दे पुनर्वास लेई सिखलाई ते जानकारी देने, सामुदायिक तौर उप्पर लोकें दी इस कम्मा च शमूलियत बधाने, नशा मुक्ति केंद्रें उप्पर जागरूकता आनने दा कम्म करने दा प्रावधान रखेआ गेदा ऐ। इस नीति तैहत नशे दी कवैतू गी पूरी चाल्ली मकाने आस्तै पूरी पराती कार्ययोजना तैयार कीती गेदी ऐ। रियासती प्रशासनिक कौंसल SAC ने कल राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना तैहत उधमपुर च देविका ते तवी नदियें च प्रदूषण उप्पर रोक लाने लेई घरें मकानें ते शहरी विकास मैह्कमे दे प्रस्ताव गी मंजूरी दे दित्ती ऐ। एह् परियोजना 186.74 करोड़ रपे दी लागत कन्नै पूरी कीती जाग ते एह्दे लेई 90% फंड केंद्र सरकार जिसलै के 10% फंड रियासती सरकार आसेआ जारी कीते जांगन। इनें दौनें गै नदियें दी धार्मिक नजरिए कन्नै मती महत्ता ऐ ते इंदे च प्रदूषण दा स्तर मता बधी गेदा ऐ। इस परियोजना तैहत बक्ख बक्ख समर्थ आह्ले 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लाए जांगन, पानी दी निकासी आह्ला सरिस्ता कायम कीता जाग, 2 शमशान घाट ते 2 वेद घाट विकसित कीते जांगन, इक लौह्का पन बिजली संयंत्र ते सूरज दी तपश कन्नै कम्म करने आह्ले 3 प्लांट भी लाए जांगन। रियासती प्रशासनिक कौंसल ने डोडा, कठुआ, रजौरी, अनंतनाग ते बारामूला जिलें च नमें बनाए गेदे सरकारी मैडिकल कालजें आस्तै नर्सिंग अमले दियां 675 असामियां कड्ढने गी मंजूरी दे दित्ती ऐ। भारतीय मैडिकल कौंसल मताबक नमें मैडिकल कालज आस्तै पैह्ले ब'रे दौरान 175 नर्सें दे अमले दी लोड़ हुंदी ऐ। उआं इनें कालजें च लाए गेदे मौजूदा अमले दी गिनतरी तयशुदा नियमें मुताबिक नेईं ऐ, इस करी 675 असामियां कड्ढने दी लोड़ सेही कीती गेई ऐ तां जे नियमें मुताबिक जरूरत पूरी कीती जाई सकै। एह्दे मगरा भारतीय मैडिकल कौंसल गी खीरी मुआयने लेई आखेआ जाग तां जे इनें मैडिकल कालजें च MBBS कोर्स लेई पैह्ला बैच शुरू करने आस्तै मंजूरी दी चिट्ठी हासल करी लैती जा। पाकिस्तानी वल्लें पुंछ जिले च कल राती कब्जा रेखा दे पारा इक बारी परतियै गोलीबारी कीती। रक्षा सूत्रें मुताबक
एह जानकारी दित्ती गई है जे पाकिस्तानी फौज ने कल रातीं कोई 9 बजे मनकोट ते कृष्णा घाटी सैक्टरें च भारत दियें अगेत्रियें चौकियें ते नागरिक इलाकें गी भी निशाना बनाया। पाकिस्तान दी बिजन उकसावे आली इस गोलीबारी दा भारतीय जवानें भी जोरदार तरीके कन्नै परता दित्ता ते फ्ही बडले मूह नेरे तोड़ी रुकी रुकियै गोलीबारी चलदी रही। भारत आली बक्खी एह्दे कन्नै कुसै चाल्ली दे नुकसान दी कोई जानकारी नेईं ऐ। सुप्रीम कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन दे संस्थापक ते कुल संसारी सतह पर आतंकवादी घोषित सैयद सलाउद्दीन दे पुत्र सैयद शाहिद यूसुफ दी जमानत दी अर्जी खारिज कर दित्ती गई है। सर्वोच्च अदालत ने कल आखिया हा जे मामले दी जांच पड़ताल लई हुन जिसलै राष्ट्रीय तफ्तीशी सीगे NIA गी होर समें दे दित्ता गया इस करियै एह जमानत नेईं दित्ती जाई सकदी। यूसुफ गी इसलै न्यायिक हिरासत च रखा गेदा ऐ। ओह्दी गिरफ्तारी 24 अक्तूबर 2017 गी कश्मीर दे बड़गाम शा कीती गई ही। ओह्दे उप्पर आरोप ऐ जे ओह्दे प्रतिबंध आले संगठन हिजबुल मुजाहिदीन कन्नै सरबंध न ते ओह आतंकवादियें गी रपेआ पैसा पजाने आस्तै सऊद अरब च पैसा किट्ठे करदा हा। ओह्दे खिलाफ इस बिना उप्पर मामला दर्ज कीता गेआ हा जे ओह हवाला राएं पाकिस्तान शा पैसा भेजदा हा तां जे जम्मू कश्मीर च आतंकवाद गी बढ़ावा दित्ता जाई सकै। एह खबरां तुस रेडियो कश्मीर जम्मू थमां सुना दे ओ ते हुन बाकी दियें खबरें कन्नै मोनिका जंदेल। मनुक्खी साधन वसीलें दे बाद्धे विकास सरबंधी मैह्कमे दे केंद्री मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें आखेआ ऐ जे पढ़ाई लिखाई लेई नमियां काढ़ां कड्ढना बड़ा जरूरी ऐ ते देशै च शिक्षा दी स्थिति च बदलाव आने दा समर्थ अध्यापकें च गै ऐ। शिक्षा प्रशासन लेई नमियें काढ़ें बारे राष्ट्रीय पुरस्कार देने लेई कल नमीं दिल्ली च लोआए गेदे समारोह च उनें आखेआ जे नमें तौर तरीके राए अध्यापक गै पढ़ाई लिखाई गी अज्जै दिएं जरूरतें मुताबक मता सार्थक बनाई सकदे न। इस मौके उप्पर मैह्कमे दे राज्यमंत्री डॉ सत्यपाल सिंह होर भी मौजूद हे। भारत ने अफगानिस्तान की सरकार ते उत्थू दे लोकें दी उंदे देशे च रमानदारी सुरक्षा ते खुशहाली ब्हाल करने च हर चाली दा साथ सहयोग देने दी गल आखी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ते उंदे अफगानिस्तानी हमरुतबा डॉ हमदुल्ला मोहिब होरें कल नमीं दिल्ली च लग्गी दी इक बैठक दौरान अफगानिस्तान दे विकास बारे चर्चा कीती। अपने इक बयान च विदेश मंत्रालय ने दस्सिया जे बैठक दौरान श्री डोवाल होरें आखेआ जे भारत अफगानी आसिया उत्थे रमानदारी ब्हाल करने की हर कोशिश च उनेंगी सहयोग देआरदा ऐ। उनें आखेआ जे अफगानिस्तान दे क्षेत्रीय ते अंतर्राष्ट्रीय सतह दे सहयोगी इस गल्लै गी ध्यानै च रक्खन जे उत्थूं दे नागरिक केह् चांह्दे न। श्री डोवाल होरें आखेआ जे भारत इस गल्लै दा स्वागत करदा ऐ जे अफगानिस्तान दे लोक अजें बी लोकतांत्रिक शासन च भरोसा रखदे न। उनें आखेआ जे अफगानिस्तान च राष्ट्रपति दे अहुदे लई औंदे चुनाएं कन्नै देश च लोकतंत्र दियां जड़ां होर मजबूती पकड़गन। गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें रियासत दे लोकें गी गुरू गोबिंद सिंह जी हुंदे प्रकाश उत्सव दी मुबारकबाद दित्ती। अपने स्नेह च उनें गुरू जी होरें गी इक योद्धा दार्शनिक ते कवि दस्सेआ जिनें सब्भनें दी बराबरी आले समाज दे निर्माण ते महिलाएं दे मान लेई अपने जीवन दा बलिदान करी दित्ता। गवर्नर होरें मेद बुझी जे एह पवित्र ध्याड़ा राज्य च शांति खुशहाली ते तरक्की लेइयै औग। उनें इस मौके रियासत वासियें दे कल्याण लेई प्रार्थना कीती। गवर्नर हुंदे सलाहकार खुर्शीद अहमद गनेई होरें भी रियासत वासियें गी अज्ज गुरू गोबिंद सिंह जी हुंदे प्रकाश उत्सव पर मुबारकबाद दित्ती। गवर्नर हुंदे सलाहकार खुर्शीद अहमद गनेई होरें कल इक समारोह च बोलदे होई दिव्यांग बच्चें दे पूरे पराते विकास पर जोर पाया। ओह ब्रेल लिपि दी अविष्कारक लुईस ब्रेल हुंदी जयंती दे मौके समाज कल्याण विभाग आसिया आयोजित कार्यक्रम च बोला'रदे हे। सलाहकार होरें इनें विशेष व्यक्तियें दे पूरे पराते विकास लेई हर मुमकिन सहूलत उपलब्ध कराने दी जरूरतै पर जोर पाया। जिला उधमपुर दियें उच्चियें धारें पर अज्ज भारी बर्फबारी होआ दी ऐ। पेश ऐ इस बारे साढ़े उधमपुर आले संवाददाता शा होर जानकारी। बडले सती सवेला जिले दी मती सारी थारें पर बर्फ पौना शुरू होई गेदी है। डुडू लाटी बसंतगढ़ पंचैरी दे मते सारे इलाकें च लगभग 1 फुट बर्फ कट्ठा होई गेदी है, जबकि जिले दियें उच्ची थारें जिंदे च सियोजधार नत्थाटाप ते जुगधार शामिल न 2 थमां 4 फुट बर्फ पेई चुकी दी है। तोई जरनैली शिड़का पर भी कई थारें बर्फ की वजह कन्नै कश्मीरा जाने आली सारी गड्डियां जिले दी सलोरा बाईपास मनवाल ते धार रोड रोकी लैती गेदियां। अनिल दुबे उधमपुर। ताज़ा बर्फबारी कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क की गड्डियों की आवाजाई बंद कर दिया गया है। इस बारे और जानकारी करने साढ़े रामबन आले संवाददाता। जवाहर सुरंग के दोनों तरफ बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन होने की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कल दोपहर बाद से यातायात के लिए बंद है। जवाहर सुरंग के पास और बानिहाल में रात भर की लगातार बर्फबारी से सड़क पर लगभग 1 फुट बर्फ जमा हो गई है। हालांकि सुबह से ही ग्रेफ की मशीनों द्वारा सड़क से बर्फ हटाने का काम चल रहा है, फिर भी ट्रैफिक पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज एहतियात के तौर पर पूरा दिन जम्मू और श्रीनगर के बीच में यातायात बंद रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज पूरा दिन बर्फबारी की संभावना है। से मैं रविंद्र किचलू। तो उन मौसम
मौसम विभाग आसिया दित्ती गेदी जानकारी मुताबक अज बडले दा घट्टो घट्ट तापमान 8.6 डिग्री सैलसियस ते कल दिने दा बद्दो बद्द तापमान 17.2 डिग्री सैलसियस दर्ज कीता गया। इस दौरान हवा च नमी दी मात्रा 92% रही ते 14.7 मिलीमीटर बरखा दर्ज कीती गई है। रियासी प्रशासनिक काउंसल ने 624 मेगावाट समर्थ आली कीरूपन बिजली परियोजना पैकेज की मंजूरी दी। पिछले दे वर्गे लिए आरक्षण आमदनी की हद बधाई दी गई। नशा मुक्ति नीति की भी मंजूरी। पाकिस्तान ने पुंछ जिले च कब्जा रेखा दे पारा थमां गोलीबारी करदे होई एक बारी परतियै संघर्ष विराम की खिलाफवर्जी की है। गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें गुरू गोविंद सिंह जी हुंदे प्रकाश उत्सव के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोकें गी मुबारखां दित्तियां ते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क गी कई थारे ताजा बर्फबारी ते तलैट होने कारण गड्डियें दी आओजाई लई बंद रखा गया है। एदे गन्ने गै खबरें दा एह बुलेटिन समाप्त हुंदा है।